अब ये जो क्वेश्चन है जरा ध्यान देना। ज्योमेट्री यहाँ पे सबसे पहले ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये हमें क्या दिया था यहाँ पे, इट इज 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे इट इज 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे इट इज 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू यहाँ पे दिया 61 अपॉन 36 दिया। अब ये क्वेश्चन में आपको ये ध्यान में आएगा कि नहीं, लेकिन इसमें जरा ध्यान दो। सबसे पहले ये जो 4x स्क्वायर है अगर आप इसका स्क्वायर रूट लोगे, ध्यान देना, 4x स्क्वायर का अगर आप स्क्वायर रूट लोगे सबसे पहले 4 का फैक्टर्स क्या आएगा, 2 इंटू 2 आएगा, एक्स स्क्वायर का फैक्टर क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स आएगा। तो यहां पे आप नोटिस कर सकते हो ये 2 दो बार आ रहा है तो आप एक 2 को बाहर लिख सकते हो, ये एक्स दो बार आ रहा है तो आप यहां पे एक्स लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि ये जो 4x स्क्वायर है इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2x द होल स्क्वायर लिख सकते हो। सेम वे जो 9 है 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। अब ये जो बीच में का पार्ट है दैट इज 12x तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2ab के फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये 2ab का फॉर्म कैसे रहेगा, 2 इंटू 2x इंटू यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, तो 2 इंटू 2x इज वॉट 4x, 4x इंटू 3 इज वॉट 12x। तो बेसिकली आपका जो डिनोमिनेटर है ये किसके साथ एक्ट कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में एक्ट कर रहा है, जिसको आप कैसे कंसिडर कर सकते हो, ए प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ओके, अब ध्यान देना यहां पे न्यूमरेटर में क्या है, इट इज 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर। आपने यहां पे देखा ए का काम कौन कर रहा है, 2x, बी का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 3 कर रहा है, इसका यहाँ पे क्या आएगा होल स्क्वायर आएगा, ये इक्वल टू क्या रहेगा 61 प्लस 36। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये पार्ट को एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे आपको दिख रहा है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन ये डिनोमिनेटर का फॉर्म है, आप ये डिनोमिनेटर को निकाल सकते हो। कैसे, यहाँ पे यू कैन यूज डिविडेंडो। अब डिविडेंडो यूज करने से क्या होएगा, डिविडेंडो यूज करने से न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर माइनस क्या आएगा डिनोमिनेटर अपॉन क्या रहेगा डिनोमिनेटर। ध्यान देना ये पार्ट आपका न्यूमरेटर है ये पार्ट आपका, यहाँ पे आपने डिविडेंडो यूज किया। अब इससे फायदा क्या होएगा, प्लस डी एंड ये माइनस डी कैंसिल आउट होएगा, आपके पास क्या बचेगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बचेगा। तो यहाँ पे आपका न्यूमरेटर मतलब क्या, 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर, यहाँ पे 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर आ गया। डिनोमिनेटर का काम कौन कर रहा था, 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर कर रहा था। सेम भी आप लेफ्ट साइड में भी करोगे, यहाँ पे आप 61 माइनस 36 करोगे अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 36। ओके, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 25 अपॉन 36 हो जाएगा। यहाँ पे इट इज 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर। आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे, स्क्वायर रूट निकालने पे ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे 4x प्लस 1 होएगा अपॉन 2x प्लस 3 होएगा। 25 का स्क्वायर रूट इज 5, 36 का स्क्वायर रूट इज 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना
तो ये हो जाएगा 6 × 4x + 1, ये हो जाएगा 5 × 2x + 3 होगा. 6 × 4x is 24x, 6 × 1 is 6, 5 × 2x is 10x, 5 × 3 is 15. अब आप क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होएगा 24x - 10x, क्योंकि +10x इधर गया तो -10x होएगा, 15 + 6 इधर गया तो -6 होएगा. सब्ट्रैक्ट करने पे ये होएगा 14x = 9 होएगा, x = 9 अपॉन. यहाँ पे अब ये सम के लिए आपको अगर प्रोसीड करना रहेगा, सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, पहली चीज उस पर ध्यान दो. आपको एक एंगल बी दिया, प्लस यहाँ पे एक 90 डिग्री दिया, तो आप कौन सा ट्रायंगल यूज करोगे? आप यूज करोगे यहाँ पे सबसे पहले, वन सेकेंड, यहाँ पे यू विल बी यूजिंग BDA. ये 90 डिग्री रहेगा, ये B रहेगा, दिस विल बी A एंड दिस विल बी D. सिमिलरली वैसे आपको क्या चाहिए, एंगल C चाहिए, तो एंगल C कहां पे, इधर, प्लस ये एंगल आपको पता है कितना है, 90 डिग्री. इसके लिए विच ट्रायंगल विल यू बी यूजिंग, मैं यहां पे लिखा के देता हूं, विल बी यूजिंग ये वाला ट्रायंगल. यहाँ पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पे D रहेगा, यहाँ पे A रहेगा एंड यहाँ पे C रहेगा एंड दिस विल बी 90 डिग्री. तो पहली चीज तो आप ये दो ट्रायंगल आप यूज करो, इसमें बस एक और एक एडिशनल साइड है, ये आपको बाद में काम आएगा. सेम वे में जो ये रीजन है इसको मैं ब्लू के थ्रू बताता हूँ, क्योंकि इसका जो यूज रहेगा ये आपको बाद में जाके आएगा. सेम वे यहाँ पे भी एक्स्ट्रा पार्ट है जिसका यूज कब आएगा, बाद में आएगा, ये हम लोग बाद में देखते हैं, अभी फिलहाल तो इस पे ज्यादा ध्यान मत दो. ओके, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, फर्स्ट वी विल बी सॉल्विंग इन ट्रायंगल BAD. अब BAD से आपको सबसे पहले चीज दिख रहा है, आपको ये एंगल B क्लियरली दिख रहा है, तो ये ट्रायंगल में क्या आएगा, एक तो एंगल B आएगा, प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, एक एंगल बी ए डी रहेगा, प्लस यहाँ पे एक 90 डिग्री, यहाँ पे एक 90 डिग्री रहेगा, ये टोटल मिला के कितना होएगा, इट विल बी 180 डिग्री. आपको यहाँ पे क्या चाहिए, क्वेश्चन में एंगल बी मेंशन्ड है, तो आपको क्या ढूंढना है, एंगल बी ढूंढना है, तो एंगल बी ढूंढो, बाकी सबको आप लेफ्ट साइड में लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री -90 डिग्री माइनस एंगल बी ए डी. तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या होएगा, 180 - 90 कितना होएगा, 90 डिग्री होएगा, माइनस यहाँ पे क्या रहेगा, एंगल बी ए डी. इसको आप क्या कंसिडर करो, इसको आप इक्वेशन वन कंसिडर करो. सिमिलरली आप कौन सा ट्राइंगल यूज करोगे, डी ए सी, यहाँ पे लिखना इन ट्राइंगल DAC. ओके, अब ये DAC किसका बना हुआ है, आपको यहां पे चाहिए एंगल C, तो ये एंगल C को आप क्या रखो, बाहर रख दो, प्लस यहां पे ये एंगल एक आएगा, दैट इज व्हाट, एंगल CAD, प्लस यहां पे आप नोटिस करो एक 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री को रहने दो, ये इक्वल टू कितना होएगा, दिस विल बी 180 डिग्री. आपको क्या ढूंढना है, एंगल सी ढूंढना है, तो एंगल सी कितना रहेगा, 180 से 90 सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, प्लस सी ए डी यहाँ पे गया तो ये क्या होएगा, माइनस सी ए डी होएगा. इसको आप क्या कंसिडर करो, इसको आप इक्वेशन टू कंसिडर करो. अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 - 1 करोगे. क्यों 2 - 1, क्योंकि आपको एंगल सी माइनस एंगल बी करना है, तो यहां पे क्या आएगा, एंगल सी माइनस एंगल बी आएगा. ओके, ये इक्वल टू क्या रहेगा,
एंगल सी में कौन कौन है, इट इज 90 माइनस एंगल सी ए डी है. माइनस करना है तो यहां पे माइनस साइन आएगा, ब्रैकेट में एंगल बी के बदले ये पूरा आएगा विच इज 90 माइनस एंगल बी ए डी. ओके, अब आप इसको सॉल्व करो तो ये होएगा 90 माइनस एंगल सी ए डी, माइनस इंटू प्लस क्या होएगा माइनस 90, माइनस इंटू माइनस क्या होएगा प्लस एंगल बी ए डी. तो ये प्लस 90 ये माइनस 90 क्या होएगा कैंसिल. आप इसको कैसे लिख सकते हो, एंगल बी ए डी माइनस एंगल क्या लिख सकते हो सी ए डी, मतलब बी ए डी को पहले लिख लिया सी ए डी को हमने बाद में लिखा. यहां तक किसी को डाउट है? अब क्वेश्चन में आपको क्या ढूंढना है, एंगल डी ए ढूंढना है. किससे, एंगल बी ए डी से. आप नोटिस करो एंगल बी ए डी किधर है, ये इतना पार्ट है. जरा समझने का ट्राई करो, आपको ये डी ए ई को इन्वॉल्व करना है. कैसे आप इन्वॉल्व कर सकते हो, जरा नोटिस करो ये आपका क्या है, जस्ट इसको एक डिफरेंट कलर के थ्रू बता रहा हूं. ये आपका क्या है, पूरा एंगल है. तो इसमें से अगर आप डी ए ई को सब्ट्रैक्ट करोगे आपको क्या मिलेगा, ये एंगल मिलेगा. वापस रिपीट करता हूं, ये पूरा एंगल दैट इज बी ए ई, इससे अगर आप बी ए ई को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये छोटा एंगल बी ए डी मिलेगा. तो यहां पे हाउ यू कैन राइट, ध्यान देना, एंगल बी ए डी इसको आप कैसे लिख सकते हो, बड़ा एंगल दैट इज बी ए ई माइनस आप क्या कर सकते हो, एंगल डी ए ई कर सकते हो. आई होप ये फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो. वैसे ही आपको एंगल सी ए डी के रिलेटेड करना है. तो सी ए डी मतलब ये पूरा एंगल रहेगा, ये पूरा एंगल, ये छोटा एंगल एंड ये एंगल का दोनों का बना हुआ है. तो आप यहां पे क्या लिखोगे, एंगल डी ए ई प्लस एंगल सी ए ई आएगा. ओके, ये दोनों वैल्यूज को आप क्या करो, इधर सब्स्टिट्यूट करो. तो एंगल सी माइनस एंगल बी ये इक्वल टू क्या रहेगा, बी ए डी के बदले आप लिखोगे बी ए ई माइनस एंगल डी ए ई. अब आगे साइन क्या है, माइनस, तो माइनस डालना, यहां पे एंगल डी ए ई आएगा प्लस एंगल सी ए ई. और एक एक चीज बताया है, ए ई जो है ये एक एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब जो सी ए ई का एंगल आएगा ये बी ए ई के बराबर रहेगा. यहां पे आप लिख सकते हो ए ई इज एंगल बाइसेक्टर. तो इसका मतलब एंगल बी ए ई जो है ये एंगल सी ए ई के बराबर है, जिसकी वजह से क्या होएगा, एंगल सी माइनस एंगल बी ये इक्वल टू रहेगा बी ए ई माइनस एंगल डी ए ई माइनस एंगल डी ए ई माइनस एंगल सी ए ई के बदले आप क्या लिख सकते हो, एंगल बी ए ई लिख सकते हो. ये पार्ट एंड ये पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होएगा, माइनस वन माइनस वन एड हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टू एंगल डी ए ई होएगा. आपको सिर्फ एंगल डी ए ई चाहिए तो इसको आप यहीं पे रहने दो, कुछ मत करो. माइनस टू मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरे साइड जाके ये क्या होएगा, डिवाइड होएगा, माइनस हाफ होएगा, ब्रैकेट में क्या रहेगा, एंगल सी माइनस. यहाँ पे मेरे को लग रहा है क्वेश्चन गलत है, तो यहाँ पे जस्ट माइनस साइन इंट्रोड्यूस करो.